मुद्दों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया है। आपको बता दें कि इस मौके पर आगरा के तमाम वरिष्ठ नेता तो मौजूद ही रहे, वहीं कार्यकर्ताओं का हर्ष और उत्साह बढ़ाने के लिए बाबू मुनकाद अली, जो बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मंच पर उपस्थित रहे। आपको बता रहे हैं आगरा के GIC ग्राउंड में बड़ी शिद्दत के साथ इस जन्मदिन को मनाया गया। सर, क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है भाई? आज बहन जी का जन्मदिन है, उसको हम लोग हर साल की तरह इस साल भी मना रहे हैं। बड़े हर्षोल्लास से मना रहा हूँ, ये कामना करते हैं बहन जी की लंबी उम्र हो, ऊपर वाला उनको लंबी उम्र दे और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए जो दिशा निर्देश हमारे वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय महासचिव आए हुए हैं वो लोगों को बता रहे हैं, और पार्टी के लिए मजबूत हो, पार्टी आगे बढ़े, ऐसी कामना। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कहना चाहेंगे? अभी तो जिला पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहा है, उसके बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। सर, क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है आज और किस उपलक्ष्य में आज यहाँ ये मीटिंग का आयोजन किया गया? आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का 65वां जन्मदिन है, जिसको बहुजन समाज पार्टी के समर्थक इस देश में रहने वाले कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोगों को लोग आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इस मौके पर कोई केक नहीं काटा जाएगा, मिठाई नहीं बांटी जाएगी, क्योंकि कोरोना बीमारी के कारण आदरणीय बहन जी ने हम लोगों को निर्देश दिया है। आज के दिन जो है हम जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें इस देश में रहने वाले कमजोर, मजलूम, बेसहारा लोगों की बहुजन समाज पार्टी समर्थक आर्थिक तौर पे और कहीं कहीं कंबल बांट के इस तरीके की मदद करते हैं। देखने में ये आ रहा है कि दलित और OBC वोट तोड़ने के लिए कोई और भी राजनीतिक दल पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, सक्रिय हो गए। जब चुनाव आता है, जब से 14 अप्रैल 1984 से बहुजन समाज पार्टी बनी है, जब चुनाव आता है तो नए नए दल खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो धाराशाही हो जाते हैं, चुनाव के बाद उनका पता भी नहीं रहेगा और ना रहा है। किसान आंदोलन पर क्या कहते हैं सर? देखिए, किसान आंदोलन पर मैं ये कहूँगा कि केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बल्कि एक डिक्टेटरशिप है। उन्हें कोई लेना देना ना किसानों से है, ना यहाँ के मजदूरों से है, ना छोटे व्यापारियों से है, ना बड़े व्यापारियों से, ना किसी सेक्टर से है। उनका मकसद है इस देश को 4-5 लोगों के हाथ में देकर बाकी सब लोगों को गुलाम बनाना, उसी पैटर्न पर ये सरकार चल रही है। तो आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी के पीछे कोई और मोटा है जो इस जो ये किसान आंदोलन के पीछे कार्य कर रहा है, या कोई ऐसी ताकत है? देखिए, किसान आंदोलन के पीछे कोई मुखोटा नहीं है, किसान आंदोलन किसान अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और ऐसे किसानों को बदनाम करके कि ये किसी संत से जुड़ा हुआ है, उससे जुड़े हुए हैं, ये सब ये प्रोपेगंडा है भारतीय जनता पार्टी का, जो उचित नहीं है। जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, हमारा देश एक तरीके से डिक्टेटरशिप पर चलने वाला नहीं, लोकतंत्र का देश है, इसमें हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर कोई अपनी बात कहता है उसे कहीं ना कहीं जोड़ दिया जाता है, उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। आने वाले विधानसभा चुनाव और जिला पंचायत चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक जुल्फकार अहमद भुट्टो ने भी संकेत दिए हैं कि पूरी शिद्दत के साथ विधानसभा चुनाव में और जिला पंचायत चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत झोंकेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। द नेटिजन न्यूज चैनल के लिए आगरा से राशिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लगातार खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।